की जिंदाबाद। चुनाव केजरीवाल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की राम केजरीवाल साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद की जय। सबसे बड़ी बात मैं आपको सामने एक जीता जागता सबूत देना चाहूंगा, ब्रिज मोहन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है उसके ऊपर कितने गंभीर आरोप हैं, किसने लगाए हैं, हमारे रेसलर्स, फीमेल रेसलर्स जो अवार्डी हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है बाहर के देशों में, वो कह रहे हैं कि हरासमेंट हुआ है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, उनके आंसू सूख चुके हैं, लेकिन अभी तक वो ब्रिज मोहन बाहर खुलेआम घूम रहा है और दूसरी तरफ जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको आप अंदर ठोक रहे हो। उनको तो भारतीय जनता पार्टी है, अरविंद केजरीवाल के स्तर करके इन्होंने शेर को हाथ लगा लिया है, शेर के मुंह में हाथ दे लिया है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ, अगर उसको गिरफ्तार कर लिया है उसकी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये हम कहना चाहते हैं। मगर केजरीवाल के साथ पूरा जम्मू कश्मीर खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। अगर उसको आज की डेट में नहीं छोड़ा गया तो बच्चे सोच लेके बुजुर्ग तक भी बाहर निकलेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। जय हिंद। जब हमने आज के सिनेरियो में ये कर दिया हुआ है कि देश में कोई भी विपक्ष की बात ही ना करे और विपक्ष में कोई इनके घोटालों के बारे में बात बिल्कुल भी ना करे, एक अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के रूप में उन्होंने एक ऐसा जलजला खड़ा किया था जो ऐसी जो गुंडा ताकते हैं देश के लिए, देश को लूटने वाली ताकते हैं, देश को गुमराह करने वाली, देश को तोड़ने वाली ताकते हैं, उनके खिलाफ एक ऐलान जंग शुरू किया था। और ये काफ़ी सालों से बहुत जल्दी 10 से 12 सालों में ही आम आदमी पार्टी का विस्तार जो है वो पूरे देश में हो गया और 10 सालों के अंदर अंदर ही नेशनल पार्टी का खिताब जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला। इसी से डरते हुए मोदी सरकार को ये डर लगा कि अगर कोई हमें हरा सकता है, अगर हमें कोई मिट्टी में मिला सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी है। तो इसी डर की वजह से उन्होंने ईडी का डर दिखाते हुए उन्होंने पिछले रात जो है वो हमारे नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है, जिसके विरोध में आज हमारा ये जो जनसैलाब उमड़ा था प्रोटेस्ट के रूप में, और आने वाले समय में भाजपा को ये जो चुनाव आने वाले हैं देश की जनता वोट की चोट करके भाजपा के गाल पे एक जोरदार तमाचा मारने वाली है, आप देखिएगा।